ये देखिए गाइस, वहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कितनी भीड़ है वहाँ उस वाले एरिया में। वहीं से लेके जाएंगे आप लोगों को भी, और आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी जगहें। ये देखिए ड्राइवर, ये ऐसे ऐसे भी ड्राइवर है, ऐसे ड्राइवरों से आप लोग बचे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा जो फोकस है वो रोड पे रखो गाइस, रोड पे फोकस रखो। यहाँ पे कुछ झूले टाइप लगे हैं, आप लोग ये राइड भी एंजॉय कर सकते हो। फैजान भाई हमारे आगे से वापस आ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं बट वापस ही आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं धोबी घाट गुलमर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म। देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा इस वाले रोड पे। और आप लोग देख सकते हो कितने सारे पेड़ है यहाँ से, ओहो हो, ये लोग चेक करो, काफ़ी काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ से भी। और यहाँ से भी कुछ लोगों ने जो टेंट्स लगाए हैं स्टे करने के लिए, और आगे से ये एडवेंचरस बाइक्स आती हुई, ये आप लोग चेक करो। ओह गाइस, ग्रीन फील्ड्स, ओपन ग्रीन फील्ड्स, काफ़ी मज़ा, काफ़ी सुकून, जितने तारीफ करें इस जगह के उतने कम। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी देखेंगे अगर हमें ऑफ रोडिंग का कुछ सीन रहा तो ज़रूर आप लोग को ऑफ रोडिंग भी करते हमें दिखाएंगे, ज़रूर हम ऑफ रोडिंग भी करेंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए जा रहे हैं हम स्ट्रेट, और यहाँ से भी अच्छी खासी भीड़ है। और वो देखो टेंट्स कहाँ पे लगाए हैं, जन्नत, जन्नत से तो कम नहीं है गुलमर्ग भी, वैसे कश्मीर है ही जन्नत तो क्या ही बोलेंगे इसके बारे में। और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको टेंट्स रेंट पे मिलते हैं, आप लोग आराम से आ सकते हो यहाँ पे, जो ये टेंटिंग एरिया है यहाँ पे आप आराम से टेंट ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो इनके लिए। अभी मुझे नहीं पता लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को, आप लोग पूरा जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं स्ट्रेट और देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। चलते अभी आगे, और हमारे फैजान भाई जो हैं वो भी हमारे आगे आगे ही चल रही है। ज़्यादा ये रहा पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म, यहाँ पे आलू उगाए जाते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। और ओपन फील्ड्स ग्रीन, आगे हम देखते हैं क्या हमें देखने को और मिलेगा, तो चलते हैं आगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये जो रोड है ओपन रोड, दोनों साइड ग्रीन फील्ड्स, इसका हम मज़ा ले रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मज़ा लीजिए। एंड आई होप आप लोगों को इस वाले व्लॉग में काफ़ी मज़ा आएगा, हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी। तो आप एक काम कीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, हमें ना क्या ही मैं बोलूँ अब आप लोगों को, आप लोग हमें हेल्प करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो जो वो पोटैटो फार्म है वो कहाँ तक, वो जो बाइनिंग है इसकी वहाँ तक वो कंटिन्यूसली, इतनी बड़ी फार्म है यहाँ गुलमर्ग में। ओ हो गाइस, काफ़ी काफ़ी सुंदर जगह, और यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट, मतलब हमारे ऐश, और आप लोग भी हमारे साथ मज़े करते हुए जाएंगे। तो चलते हैं अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेट। ये देखिए गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भी कुछ लोग आए हैं लेकिन हम अपना ऑफ रोडिंग का पूरा मज़ा लेंगे, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें इस राइड को। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इस वाली राइड में। ये देखिए ऑफ रोडिंग करते हुए, ओह काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी। फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं स्ट्रेट, फैजान भाई और मैं देखेंगे हम कहाँ तक पहुँचेंगे, और आप लोगों को भी दिखाते जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ
क्या ही सीन है, क्या ही सीन है। जितनी तारीफ करें इस जगह की उतने कम। और यहाँ पे छोटी सी एक क्रॉसिंग, ये देखो गाइस, ये चेक करो कहाँ से जा रहे हैं अभी हम। हो पूरे ग्रीन फील्ड्स, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ से। मुझे नहीं लगता और कोई होगा हमारे बगैर, फिलहाल के लिए तो हमें कोई नहीं दिख रहा। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। और यहाँ पे फैमिलीज एंजॉय कर रही है, वो देखो टेंट कहाँ से लगे हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चे, ये देखो प्यारे बच्चे हमारे। ये जो पूरा एरिया है पूरा ग्रीन ही ग्रीन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और बस यहीं तक है भैया, एंड यहीं तक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ग्रीन फील्ड्स के ऊपर, देखते हैं कहाँ तक चढ़ेंगे हम भी। और ये देखिए अभी हम कहाँ पे आ गए हैं। ओहो काफ़ी प्यारी जगह है गाइस, काफ़ी प्यारी जगह है, आप लोग देख सकते हो। फैजान भाई कहाँ से घूम रहे हैं, बिल्कुल मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं फैजान भाई। चलते हम अभी फैजान भाई के पास हम भी, और देखते हैं जितना हमसे होगा हम भी एंजॉय करेंगे। ओ हो ये देखो गाइस, ये देखो व्यू चेक करो। आप लोगों को मैं व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे नहीं रहेगी, थोड़ा पीछे खींच। ये देखो हम कहाँ पे आ गए हैं अभी, और हम यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं, कोशिश करेंगे यहीं से नीचे जाने की। अभी हम कहाँ पे आए हैं, पूरा व्यू आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी मज़ेदार जगह है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, तो यहीं से कोशिश करेंगे वापस जाने की और आप लोगों को दिखाने की। फिलहाल हम वापस ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हेलो नहीं है बाइक्स लेने का, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम बिल्कुल भी यहाँ बाइक्स नहीं लाते, क्योंकि हम कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहते। लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखो टूरिस्ट पूरा व्यू का मज़ा लेते हुए, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग आना चाहते हो ये है ATV बाइक्स, काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोग पूरी राइड ले सकते हो, काफ़ी एंजॉय कर सकते हो। तो अभी जो ये टूरिस्ट है ये यहाँ तक आए थे AVP बाइक्स पे, अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं। काफ़ी कमाल का मज़ा आ रहा है इनको भी और हमें भी आ रहा है। ये देखो अपने भाई स्माइल करते हुए, और चलिए इन्होंने भी एंजॉय किया, हमने भी काफ़ी सारा एंजॉय किया। और हम अभी बाइक्स लगा रहे हैं साइड में, तो हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने की। तो गाइस ये देखो पूरा मज़ा लेते हुए, और अभी हम जा रहे हैं इस वाले रोड पे। ये जो है चिल्ड्रंस पार्क हमारे साइड में थी, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते हुए, लेकिन आप लोगों को हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। चल चल कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके आप लोगों को कोशिश करेंगे कुछ अच्छा दिखाने की। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं टूटा पथरी से, बोटा पथरी तो हमें जाने नहीं दिया, लेकिन चिल्ड्रंस पार्क से होके हम वापस जा रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी कहाँ से हम चल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग से वापस, ये था गुलमर्ग, चलते हैं अभी फिलहाल जाते हैं वापस चलते हैं। और
कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी निकलने की। ये देखो गाइस, ये जो डबल लेन वाले रोड है ये ट्रैफिक जाम सबसे ज़्यादा करते हैं। बस ट्रैफिक जाम मुझे लगता है यहीं तक था। यहाँ से हम चलते जा रहे हैं वापस, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम। फिलहाल के लिए हम यहाँ से निकल गए हैं और इतना ट्रैफिक ज़्यादा गाइस, आगे तो आप लोग हालत ख़राब हो गई। ट्रैफिक जाम में इतना जाम लगा हुआ था, तो अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की। तो गाइस टांगमा के लिए रहे 3 किलोमीटर और श्रीनगर के लिए 43। अभी हम टांगमा की तरफ जाना चाहते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं टांगमाग और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये है टांगमाग पूरा और ये रहा इसका मार्केट। अगर यहाँ पे कुछ जगह देखने के लिए थी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। तो कितनी खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे बन रही है अभी। तो अभी हम टांगमाग में, फिलहाल हम खाने के लिए कुछ देख रहे हैं अच्छा सा। तो गाइस अभी हमें टांगमाग मार्केट में और यहाँ पे हमें खास कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये रहा यहाँ का गुरुद्वारा, यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं मिलता है देखने के लिए। ये यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है। और एक पार्क भी है साइड में थोड़ी सी है। फिलहाल के लिए हम गाड़ी जा रहे हैं। थैंक यू, विजिट अगेन, ज़रूर फिर से आएंगे हम इन खूबसूरत वादियों में, हम ज़रूर फिर से आना चाहते हैं। ये था टांगमा गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर डायरेक्ट। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग खूब सारा प्यार बरसाओ हमारी चैनल पे, काफ़ी सारा प्यार दिखाओ गाइस। आप लोगों की प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। आप लोग प्यार दिखाओ ताकि हम नई नई जगहें आपके लिए ढूंढ सकें, आपके लिए नई नई जगहें हम लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस अभी हम टांगमाग में और हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आई होप आप लोग बहुत सारा प्यार बरसाओगे हमारी चैनल पे, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को और हमने भी काफ़ी सारा एंजॉय किया है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत सारा प्यार दोगे, बहुत सारा प्यार दोगे, ताकि जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो हमारी रहने वाली है उसमें हम और भी कुछ नया लेके आए आप लोगों के लिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अगले व्लॉग में हम आपको कुछ ऐसा नया दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए अभी मैं जा रहा हूँ घर और मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल आप भी रखें और हम भी अपना ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से घर पहुँचेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्रिप पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।